Picture perfect, you don't need no I'm dead, you're a killer. Stay in the kitchen cooking up. ऑलराइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा गाइज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और गाइज आप ना यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लीजिए और एडिट फोटो पे आप क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर गाइज आप जिस भी इमेज पे वीडियोस बना रहे हो, लाइक आपका जो भी इमेजेस है, आप वो वाला इमेज को यहाँ पर डायरेक्टली इम्पोर्ट कर लीजिए। लाइक मैंने ये वाला इमेज यूज़ किया, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद स्टिकर का ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ पर सर्च करना होगा इमोजी क्राउन, हर्ट क्राउन टाइप कर लीजिए। आप इमोजी क्राउन भी टाइप कर सकते हैं, इमोजी हर्ट क्राउन भी टाइप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इमोजी हर्ट क्राउन सर्च कर लीजिए, देन आपको यहाँ पर इस टाइप का बहुत सारा हर्ट सिंबल सब आ जाते हैं। जो भी आपको हर्ट सिंबल है आपको उस पर क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना इस तरह। देन आप क्या करें, फोटो को जूम कर लीजिए और इस तरह रोटेट कर लीजिए इसे, और यहाँ पर हर्ट क्राउन सबको इसके अप पे सेट कर लीजिए। देन आप यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पर राइट का ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, सेट हो चुका है वो सोचो। अब फिर से स्टिकर का ऑप्शन पर जाना होगा, सेम आप हर्ट क्राउन यहाँ पर इमोजी हर्ट क्राउन सर्च कर लीजिए और यहाँ पर ढेर सारे जैसे कि हर्ट क्राउन सब चले आ जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कर लेना होगा, लाइक जो भी आपको पसंद है यहाँ पर हर्ट सब। तो यहाँ पर जैसे कि फिलहाल अगर आपको ये वाला पसंद है या जो भी है, मैं डेमो के तौर पर जस्ट दिखा रहा हूँ, बट आप अपना चूज़ कर लीजिएगा परफेक्ट सा। देन यहाँ पर मैं इसे भी सेट कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह सही से। और यहाँ पर गाइज आप जैसे कि हर्ट क्राउन सब सेट करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए या राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। राइट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स पे जाना होगा और यहाँ पर आपको इफेक्ट्स पे जाना होगा। एसडीआर इफेक्ट करना चाहते हो तो आप इस वाला एसडीआर इफेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो ये थोड़ा खिलता है। देन आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकते हो। तो इमेज को सेव करने के बाद टर्बो वीपीएन या कोई सा भी आप वीपीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। देन यहाँ पर टैप टू कनेक्ट पे क्लिक करके मैं वीपीएन के साथ इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसके सर्वर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रैबिट दौड़ रहा है। एनीवे आपको इस तरह कनेक्ट कर लेना होगा, रैबिट डूइंग हिज बेस्ट। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड हो चुका है। देन आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे चले आ जाना होगा और गाइस आपको ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये लिंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट से इसको आप इस लिंक को कॉपी मतलब यहाँ पर रिडायरेक्ट कर लीजिएगा। देन यूज़ टैम्पलेट इन कैपकट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं अगर आपका कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पर बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद अगेन आप फिर से उस पर क्लिक कर लीजिए। देन यहाँ पर देख सकते हैं वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ। और गाइज आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक पहले से इंग्लिश सॉन्ग भी है जो कि जस्टिन बीबर का है, आप ये वाला इंग्लिश सॉन्ग भी चला सकते हो। यूज़ टेम्पलेट पर आपको क्लिक करना होगा, फोटोज़ पर चले आ जाना होगा और यहाँ पर जो आप पिक्सार्ट से बनाए वो वाला इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं वो वाला सेट हो चुका है। अब यहाँ पर इस वाला आइकन पे क्लिक करके आप क्रॉप एंड रिप्लेस भी कर सकते हो, अगर आपको क्रॉप करना है तो आप कर सकते हो, जैसा भी आपको अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर कंफर्म कर दो, ये सेट हो जाएगा इस तरह, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्रॉप नहीं करता हूँ, जैसा था वैसे ही मैं कर देता हूँ यहाँ पर कन्फर्म। तो देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। देन ये वाला एरो पे क्लिक एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे क्लिक करना होगा। ये आपका ना विदाउट वाटरमार्क का एक्सपोर्ट करके दे देता है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको डन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ ये वाला हो चुका है, दिखने में सही लगता है। देन डन का ऑप्शन पे क्लिक कर लो, शेयर इस पर बैक कर दो। देन ये वाला आइकन पर क्लिक करो और आपको वो वाला वीडियो को फिर से यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा जो आप यहाँ पर अभी एक्सपोर्ट किए हो। तो देख सकते हो आपका कुछ ये मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। देन इसका ऑडियो का ऑप्शन पे जाके वॉल्यूम को जीरो कर दो और यहाँ पर ऐड ऑडियो पे जाके मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी वीडियो का ऑडियो को। तो यहाँ पर आपको जिस भी वीडियो का ऑडियो चाहिए आप उस वीडियो को यहाँ पर चूज़ कर लो इस तरह। यहाँ पर जैसे कि मैं एक ऑडियो इम्पोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये वाला ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो ऑडियो ऐड होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो कुछ इतना दूर है। आपको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को ना यहाँ पर ही कट कर देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, इधर वाला वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। एंड पे और एक एडवर्टाइजिंग मिलता है एंडिंग पार्ट, उसे भी आपको डिलीट कर देना होगा। तो यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, लाइक अपना वीडियो का जो एडजस्टमेंट होता है, लाइक सैचुरेशन, वाइब्रेंस एंड विनियट, ये सब को एडजस्टमेंट कर सकते हो इस तरह। विनियट ये सब, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि थोड़ा आपका शार्पन को यूज़ कर सकते हो आप, कॉन्ट्रास्ट को यूज़ कर सकते हो इस तरह आप कर सकते हो, थोड़ा ब्राइट हो जाता है वो सब, करना चाहते हो तो कर सकते हो।
देन आपका वीडियो कुछ इस टाइप से बन के रेडी है। मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। या आप कोई से भी सॉन्ग पे बना सकते हो, देन अपलोड का ऑप्शन भी क्लिक करके आप इसे 1080 पिक्सल पे अपलोड कर सकते हो।